प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पर्यटन विस्तार व पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार लाना है उद्देश्य। त्योहारों के दौरान यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे अतिरिक्त ट्रेनों का कर रहा संचालन। पिछले वर्ष की तुलना में चल रही 2500 अतिरिक्त ट्रेनें। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व एकता दिवस पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को एकता की दिलाई शपथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत का सम्मान करना है दिवस का उद्देश्य। दीपावली पर्व के लिए अयोध्या का राम मंदिर पूरी तरह से तैयार। राम की पैड़ी सहित अयोध्या के 55 घाटों पर 25 लाख से अधिक दिए जलाकर सातवें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का है लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण में हुए शामिल। वैश्विक नेताओं, निवेशकों व नव प्रवर्तकों को एक साथ लाता है मंच। सूडान में जारी संघर्ष के कारण 14 मिलियन से अधिक लोग हुए विस्थापित। सूडानी सशस्त्र बल व अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच पिछले 7 महीनों से चल रहा घातक संघर्ष। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भारतीय समुदाय के लिए दिवाली समारोह का आयोजन। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने की आयोजन की प्रशंसा। भारतीय अमेरिकियों के अमूल्य योगदान का किया उल्लेख। हमास ने गाजा में स्थापित युद्ध विराम का रखा प्रस्ताव। फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 4 इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए गाजा में युद्ध विराम का रखा गया प्रस्ताव।